उधर पानीपत में 2 दिन से जनसंवाद कर लोगों की समस्याएं जान रहे बीजेपी विधायक भव्य विश्नोई अपना जनसंपर्क भी बढ़ा रहे हैं। यही नहीं, वो 5 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री और करनाल से सांसद रहे अपने दादा भजनलाल और अपने पिता कुलदीप बिश्नोई के पुराने साथियों के घर जाकर उन्हें अपने साथ जोड़ रहे हैं। इसका सियासी मतलब ये भी है कि कुलदीप बिश्नोई हिसार से चुनाव नहीं लड़ पाते तो वो या भव्य भी यहां से लोकसभा चुनाव की संभावना टटोल रहे हैं। हरियाणा में सबसे छोटी उम्र के बीजेपी विधायक भव्य बिश्नोई जी हमारे साथ हैं। लगातार पानीपत में दूसरे दिन जनसंवाद कर रहे हैं। हमने जनसंवाद की बात कल भी बहुत की थी। हम देख रहे हैं आप समस्याएं सुन रहे हैं, समस्याएं आ भी बहुत सारी रही हैं। आज थोड़ा सा राजनीति की बात हो जाए। चौधरी भजनलाल जी करनाल से सांसद थे, करनाल पानीपत को अपना दूसरा घर कहते थे। कल आपने भी जिक्र किया था कि चौधरी भजनलाल के पुराने रिश्ते को पुनर्जीवित करने निकले हो। जी बिल्कुल, मैंने आपको जैसे कल भी कहा कि करनाल जब भी हमारा परिवार आता है तो एक पारिवारिक सा माहौल देखने को मिलता है। बहुत ही मन से लोग हमें आशीर्वाद देते हैं, प्यार देते हैं, और हमेशा की तरह इस बार भी आज दूसरा दिन का दौरा है मेरा, तो बहुत ही लगाव और प्यार लोगों के द्वारा मिल रहा है। तो मैं आभारी हूँ पानीपत की महान जनता का कि जिस प्रकार से मुझे उन्होंने अपनाया है। लोकसभा चुनाव आ गए, हिसार बड़ी टफ सीट हो रही है। चौधरी वीरेंद्र सिंह, नवीन जिंदल, दुष्यंत चौटाला और आपका परिवार, हिसार से कौन चुनाव लड़ेगा, आप या कुलदीप जी लड़ेंगे? देखिए, इसका फैसला तो पार्टी हाईकमान ने करना है, चुनाव कौन लड़ता है कौन नहीं लड़ता। अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह को राजी करने के लिए हिसार में दोबारा उनके बेटे को उतारा जाए, फिर कुलदीप जी राजस्थान जा सकते हैं या आप करनाल आ सकते हो? देखिए, मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसका इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। जो भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान आदेश करेगी उसका हम पालन करेंगे। एक बात, ये जब आप चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा का, ये प्रचारित किया गया था, शायद मुख्यमंत्री या सरकार में बैठे लोगों ने कहा था कि आप जितवा दो इनको मंत्री बनाएंगे हम, अभी एक साल पड़ा है, क्या इस तरह की कोई आपकी देख तो पात्रता है या कोई इस तरह की प्लानिंग हो? देखिए, मेरी प्राथमिकता तो आदमपुर के काम करवाने की है और एक साल में मैंने पुरजोर प्रयास किया है और मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद भी भरपूर रहा है। मंत्री बनना ना बनना इसका फैसला मुख्यमंत्री जी ने करना है और जो भी आदेश आएंगे मैं हर प्रकार से तैयार हूँ। चुनाव नजदीक आ गए, सारे नेता अपने अपने तरीके अपनी सुविधा के हिसाब से बयान दे रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा परसों पानीपत में थे, आज उन्होंने सोनीपत में कहा है कि कांग्रेस में गुटबाजी के सारे नेता कह रहे हैं जो कि कांग्रेस में गुटबाजी है, बीजेपी और जेजेपी में सबसे बड़ी गुटबाजी है। उनका ये कहना है कि दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है, वो नरवाना जाए तो वहां का विधायक उनकी पार्टी का स्टेज भी नहीं आता, राम कुमार गौतम नारनौंद जाए तो वहां नहीं, डिप्टी सीएम होते हुए उनके विधायक जो है स्टेज पे नहीं आती उनके साथ, तो बीजेपी और जेजेपी से बड़ी गुटबाजी कहाँ होगी? जेजेपी पर मैं टिप्पणी कर नहीं पाऊंगा, और वैसे भी मैं सकारात्मक सोच रखता हूँ, तो दीपेंद्र जी की अपनी सोच है, मैं तो उस पर ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा। आपको जैसे युवा की बात हो रही है, सभी पार्टी में युवाओं को आगे, महिलाओं को 33% आरक्षण की बात हो रही है, आप वेरी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, लोग रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं आपको, तो आप कहीं बड़ी भूमिका में भी दिख सकते हो, कोई ऐसी प्लानिंग हो? नहीं, देखिए, महत्वाकांक्षा तो सभी को रखना ही चाहिए और मैं जिस प्रकार से मुझे सभी जगह से लोगों से आशीर्वाद मिल रहा है मैं उनका आभारी हूँ, और राजनीति में और लोकतंत्र में सफलता जनता तय करती है, तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि मैं लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतर सकूं और यही मेरी प्राथमिकता है। आपके समर्थकों के मुंह से मैंने सुना है कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के आप टॉपर हैं, सही बात है ये? हाँ, मैं LSE में पढ़ा था, मैंने ग्रेजुएशन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से की थी, वहाँ पे कहे थे मेरे, उसके बाद मैं ऑक्सफोर्ड से मैंने पहली मास्टर्स की और दूसरी मास्टर्स मेरी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चल रही थी, उसको बीच में छोड़कर फिर मैंने पिछले साल चुनाव लड़े हैं वापस। हरियाणा की राजनीति के सबसे छोटी उम्र के और उच्च शिक्षित भव्य बिश्नोई आजकल चुनावी भीड़ में वाकई आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। आगे क्या कुछ होता है, पार्टियां क्या करती हैं, नेता बहुत सारे मैदान में हैं, जिस तरीके से चुनावी रणनीति राजनीति चल रही है, आगे बहुत सारे घटनाक्रम होने वाले हैं। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।